खैरियत से है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। जी भी बस पर मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज थोड़ी लेट बना रहा हूँ मैं वीडियो, थका हुआ था ना स्कूल से आकर, इसलिए लेट गया था। अभी मैं ऊपर आया हूँ, मैं कल वीडियो इसलिए नहीं बना सका क्योंकि मैं बहुत मसरूफ़ था, अपने दोस्त के घर गया हुआ था। मैं अपने फार्म में एक न्यू केज लेकर आया हूँ लबर्ड्स के लिए, उसके पास पड़ा हुआ था, उसने मजबूरी में, उसे ज़रूरत थी, उसने अपना केज सेल किया। तो वो केज उससे मैंने ले लिया था, अब मैं आपको दिखाता हूँ वो कौन सा केज है और क्या उसका साइज़ है और किस तरह का है वो केज। ये कूलर लगा हुआ है अभी परिंदों को, ये कूलर हटाकर अंदर चलते हैं। बस अंदर मैं आ गया हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ कि वो कौन सा केज है। ये आप देख रहे होंगे अगर साथ जो केज खड़ा, मैं आपको बैक कैमरा कर दिखाता हूँ कि ये कौन सा केज है, किस तरह का है। ये देखें फ्रेंड्स, ये केज है कि एक दो, ये तीन और ये चार, ये चार पोर्शन है इसके, कि यहाँ से ये है 2.5 फुट और ऊंचाई भी फी खाना 2.5 फुट है, और जो इस तरह लंबाई है वो इसकी है 3 फुट, इस तरह बना हुआ है ये। और बॉक्स टांगने की जगह एक यहाँ पर भी है, फिलहाल मैंने ये तार लगाकर ये बंद की हुई था कि परिंदे न चले जाएं। और बॉक्स लगाने की जगह इस साइड पर भी है, फ्रंट पर भी है और साइड पर भी है, यानी तो इसी तरह सारे खानों की बनी हुई है कि आप साइड पर भी लगा सकते हैं, देख साइड में भी फ्रंट पे भी दोनों जगह आप लगा सकते हैं। और जो इसके दरवाज़े हैं फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा अंधेरा आ रहा है इसलिए आपको ना थोड़ा सा नज़र नहीं आ रहा होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। इसका ये बड़ा दरवाज़ा है, इसको मैंने तार लगाई हुई है क्योंकि परिंदे निकलना चाहिए ना, इसलिए तार लगाई है। तार को खोलते हैं फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो तार मैंने खोल लिया, ये देखिए आप, ये इस तरह, ये थोड़ा सा दरवाज़े को इस तरह ऊपर करना पड़ता है फिर दरवाज़ा, बड़ा दरवाज़ा खुल जाता है। देखिए ये इसका एक बड़ा दरवाज़ा है ताकि आपने कोई परिंदा वगैरह पकड़ना हो, बॉक्स अंदर लगाना हो तो इस दरवाज़े से जा सकते हैं। बड़ा सारा दरवाज़ा है, आप देखेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक का है दरवाज़ा। और ये बड़े दरवाजे के अंदर ही एक छोटा दरवाज़ा है, ये लगा हुआ है, ये इतना उठ जाता है। और ये इसकी एक कटोरी है, ये दो कटोरियाँ हैं और ये तीन कटोरियाँ, तीन कटोरी की इनमें जगह दी हुई है और ये वाली कटोरियाँ दी हुई हैं इसके अंदर। ये केज मैंने अपने फ्रेंड से लिया है, उसका उसने तकरीबन 2 महीने इस्तेमाल किया था इसको। इसी तरह इसकी डिशेस भी हैं, डिशेस भी साफ़ सुथरी हैं, टूटी हुई नहीं हुई हैं, क्योंकि उसने अभी लिया था, उसको मजबूरी आई है तो उसने थोड़े से अपने परिंदे कम किए और पिंजरा भी सेल कर दिया। इसी तरह देखा है मैंने एक बर्ड भी छोड़े हुए हैं इसके अंदर। यहाँ पर मैंने इन्हें इस कटोरी में बाजरा नहीं दिया, ये अलग से मैं रखता हूँ। अगर ये वाला रखते हैं ना फ्रेंड तो ये सारे ज़ाया करते हैं बाजरा, ये जो बड़े बॉक्स होते हैं रिंगनेस पैरेट के लिए, इसमें ये ज़ाया नहीं करते हैं, इसलिए मैंने ये लगाया हुआ है। और पानी के लिए वही मैंने फीडर्स लगाई हुई हैं सारे खानों को। इसी तरह अभी इसमें नहीं है तो जब आएंगे लगा दूँगा मैं। इसके ऊपर मैंने अपना वो छोटा जो पहले था आप देखते होंगे लबड़ के लिए बॉक्स था, केज था, उसी में मैंने रखे हुए हैं, वो इसके ऊपर रख दिया। ये एक पैर इधर फिर रहा है और इसका आप जानते होंगे कि इसकी फीमेल एक्सपायर हो गई है इस मेल की। तो इंशाल्लाह मैंने कल या परसों मार्केट जाना है, मैं आपको मार्केट की सूरत हाल भी बताऊंगा कि क्या चल रही है, देखेंगे हम कि मार्केट किस तरह जा रही है, और हम इसकी फीमेल भी पता करेंगे भाई से कि आ गई या नहीं आ गई है। और आप देख रहे होंगे इनके जिसमें मैंने स्टिक्स भी नहीं लगाई हुई, जिस तरह इनमें लगी हुई है ना इस तरह, ये देखें परिंदे नीचे बैठे हुए हैं। मुझे टाइम नहीं मिल रहा कि मैं मार्केट से जाकर इनके लिए स्टिक्स ले आऊँ उनकी बैठने के लिए, तो इंशाल्लाह कल अगर फ्री टाइम मिला या परसों तो लाजमी जाकर मैं इनकी स्टिक लेकर आऊँगा और आपको मार्केट की सूरत हाल भी बताऊँगा। थोड़ा सा मैं आपको शेड का ओवरव्यू भी दे देता हूँ, चलो पिंजरे के साथ साथ आप बर्ड्स भी देख लें मेरे क्या कर रहे हैं, किस तरह ठीक है। ये बर्ड्स, ये लबर्ड्स के पेयर हैं यहाँ पर, और इसी तरह यहाँ पर येलो का पेयर है, फिर वाइट का पेयर है, और फिर ये ग्रीन का पेयर है। और इसको मैंने केज मेरा जो उस तरह के 2 खाने थे इस तरह के मेरे पास ना, आप देख रहे होंगे उस तरह के मेरे पास 2 खाने थे,
एक मैंने जिससे पिंजरा लिया ना उसको मैंने, उसने बड़ा खाना देकर ये छोटा खाना ले लिया मुझसे अपना वापस, तो उसमें ये पेयर रखा हुआ था, ये मैंने इसमें रख दिया, ये वॉयलेट का, वॉयलेट ब्लैक मास का, ये इसमें खुश है इंशाल्लाह, इसमें भी ये ब्रीड कर जाएगा क्योंकि ये सिर्फ एक दिन के लिए काफ़ी है। इसी तरह यहाँ पर येलो वाइट ब्लू सारे रखे हुए हैं। तो फ्रेंड्स यही मैंने आपको दिखाना था कि मैं न्यू केज ले आया हूँ अपने फार्म में, तो आपको उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा। ये मेरे ख्याल से ना 10 नंबर तार में आप देख रहे होंगे, तार बहुत मोटी है, ये लबड़ का केज नहीं है, मैं ये लबड़ के केज में इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये असल में रिंग नेक का केज, और उसमें उसने रिंग नेक ही रखे हुए थे क्योंकि 3x2x2 के खाने में रिंग नेक ही रहता है, तो इसलिए उसने ये रिंग नेक के लिए लिया हुआ था, मगर मैंने लबड़ के लिए लिया, मैं इसमें लबड़ रखूँगा। जो वो वाला मेरा खाना है वो है 2x2x2.5 का, और ये है 2.5x2.5x3 का, तो इसमें भी मैं इंशाल्लाह लबड़ ही रखूँगा। ये मैंने दो पेयर्स लेने हैं, मेरे दो पेयर्स के लिए केजेस खाली छोड़े हुए, और इसको देखें आप जिस तरह मैंने पिछली वीडियो में दिखाया था, इसके यही काम है, तो सारे उल्टे काम करवा लो इसको, सारे आते हैं अभी है। जब भी कोई इसके पास आकर खड़ा होता है उसे काटने के लिए आ जाती है, कभी यहाँ से मुंह निकाल लेती है, कभी शायद इस जगह से भी मुंह निकाल लेती है। ये वाला दरवाज़ा खोलने के लिए हाथ में करो ना, तो यहाँ से मुंह निकाल कर काटती है कि मैंने दरवाज़ा नहीं खोलने देना, तो इसको पता नहीं मसला क्या क्या दुश्मनी है इसको मुझसे, जो भी आता है उसको काटने के लिए आ जाती है, डरती भी नहीं है। बाकी देखें वो पीछे डर के जाकर बैठ गया, मगर इसके अंदर में जा रहा कोई डर नज़र आ जाए, ये नहीं डरती है, देखें फौरन से काटने के लिए आती है, आसरा भी निकलती है। ड्रम लिया था रिंगने के बाजरा के लिए मैंने, तो ये अभी तक बिल्कुल खाली है, इसके अंदर कोई बाजरा नहीं रखे, इसके अंदर अभी कोई खाली है बिल्कुल, ये मैंने साफ़ करके रखी हुई है, बाजरा बिल्कुल ख़त्म हो गया। अब भाई हैं गौहर भाई, उनको मैंने कहा हुआ है कि मुझे बाजरा लेकर कार्गो करवा दें, इंशाल्लाह वो लाहौर होते हैं, वो इंशाल्लाह करवा देंगे, जब भाई को फ्री टाइम मिलेगा वो मुझे बाजरा कार को करवा देंगे, तो उसी दिन फिर रिंगनेक को दे दूँगा, वापस लगा देते हैं इनकी जगह पर, क्योंकि इस टाइम गर्मी होती है ना दोपहर के दिन, तो परिंदा सही नहीं बैठता, परिंदा अपने आप को ना सही महसूस नहीं करता, फिर परिंदे का बीमार होने का खतरा होता है, इसलिए मैं वही चला देता हूँ कूलर। अभी कूलर चल गया है ना, तो अभी आराम से बैठे रहेंगे, हाँपेंगे नहीं, जिस तरह ये मुँह खोल कर सांस लेते हैं ना, तो इस तरह अब हाँपेंगे नहीं, तो नीचे चलता हूँ। और हाँ काफ़ी दिन हो गए मैंने आपको अपना राजू नहीं दिखाया, ग्रे पैरट, वो भी मैं आपको नीचे चलकर दिखाता हूँ। देखिए फ्रेंड्स ये बैठा हुआ है, ये गर्मी से बेचारे को, इसको भी गर्मी लग रही होती है, अलग है पंखा भी चल रहा है इसके ऊपर, मगर फिर भी इसके गर्मी से बुरा हाल हुआ हुआ। बाजरा पानी रखा हुआ है, आम भी रखा हुआ है इसके लिए, तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा इसने खाया आज, ज़्यादा नहीं खाया, थोड़ी देर तक खा लेगा, गर्मी से देखें अपने फुल पर लटकाए हुए इसमें, इसको खुला रहने देते हैं, बाहर आना होगा जिसने बाहर आ जाएगा ही। तो फ्रेंड्स ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ जो मैं आज अपने बर्ड्स के लिए केज लाया हूँ आपको ख़ुद को भी अच्छा लगा होगा। अगर आपने भी अपने बर्ड्स के लिए केजेस वगैरह लेने हैं रिंगने के लिए और लबड़ के लिए, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इसी साइज़ के केज लें, क्योंकि इस साइज़ में परिंदा खुश रहता है और वो अच्छी ब्रीड करता है। अब मैं अपने सहन में आया हूँ नीचे अपने पौधों को देखने के लिए, क्योंकि ये मुझे शौक़ है, मैंने दिन में इनके पास 2 से 3 मरतबा इनके पास लाजमी आकर खड़ा होता हूँ, इनको देखता हूँ, मुझे अच्छा लगता है इनको देखना। तो माली से अभी मैंने बात की है, माली आज नहीं आया था, अभी वो कहता है मैं थोड़ी देर तक आऊँगा, इनकी सफाई वगैरह करेगा, पानी देगा इनको और खाद वगैरह जो डालनी है वो डालेगा। तो फ्रेंड्स ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा, और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो वक्त पर मिल सके। अल्लाह हाफिज़।